सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मचाओ माय बीटबॉक्सिंग ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज ये बीटबॉक्सिंग ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो है जहां मैं आपको एक पूरी पैटर्न सिखाने वाला हूं बीटबॉक्सिंग की। और ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखोगे, पहले मैं ये बता देता हूं। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो चलो स्टार्ट करते भाई। बीटबॉक्सिंग जैसे सीखने के लिए भाई देखो, किसी भी हम अगर लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, उसके अल्फाबेट्स। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आप क्या सीखोगे, ए बी सी डी। हिंदी सीखनी है तो आ ई क ख ग ग। तो उसी तरह से जब बीटबॉक्सिंग हम सीखते हैं तो उसके लिए आपको इसके कुछ बेसिक सीखने पड़ते हैं। तो इसके हम दो आज बेसिक सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीटबॉक्सिंग को स्टार्ट करने के लिए। पहला बेसिक का नाम है किक ड्रम और दूसरे का नाम है हाई हाइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आप देख सकते हो बोर्ड बनाया भाई, मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। तो बीटबॉक्सिंग ट्यूटोरियल एक है किक ड्रम और एक है हाई हाइट। तो सबसे पहले मैं ये दोनों चीज आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पैटर्न्स कि किस तरह से इन दोनों को यूज करके, क्योंकि क्या नाम बेसिक तो सीख लेते लेकिन सारा को ये नहीं पता था कि उसको यूज कैसे करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सी पैटर्न दूंगा, ये आप खुद सीख, मतलब ये आप यहां सीख जाओगे फिर आप खुद की भी पैटर्न्स बना सकते हो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक कैसे करते। तो किक ड्रम करने के लिए जैसे ये देख रहे हो बेस, मतलब जिसको किक ड्रम कहते हैं, बेस कहते हैं, जो आप बोलो, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, अपने मुंह से बी की आवाज निकालनी है। तो जैसे हम बी बोलते हैं बी, तो बी बोलने के लिए सिंपल सा बी नहीं बोलना है, पूरी जितनी भी मतलब ताकत है ना, हवा पूरी एकदम एक लाल मुंह पे और फिर छोड़ो। ऐसा रुकते ना किसी को कुछ बोलने के लिए, वैसा गुस्सा आता था उसी तरह से फिर आपको छोड़ना है हम लोग। तो इस तरह से जैसे आप बोलोगे ना तो आपके मुंह से वो बी निकलेगी। तो शुरुआत किस तरह से होगी मैं आपको बताता हूं। तो ये शुरुआत है, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप मुंह से ऐसी आवाज निकल रही है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा था, तो वैसे होता है, धीरे धीरे आपकी आवाज कम आएगी लेकिन आएगी जरूर। तो ये आपको एक दो मतलब दो तीन घंटा प्रैक्टिस करनी है और रोजमर्रा की प्रैक्टिस में ऐसी डाल दो, कैसी थी यार, क्या करना था, क्या करना था भी, ऐसा करते रहोगे ना तो एक बार आपका किक ड्रम को जिस तरह से हो जाएगा। एक और बार मैं बता देता हूं, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, यहां की पूरी आवाज यहां पे ला लो फोटो के पीछे और फिर छोड़ो, समझ रहे हो। जब आप ये करोगे ना तो एक बार आपकी बी, तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका बेस जैसे हो गया समझो कि आपने बोलना सीख लिया। तो अभी आपको सिर्फ बी पे नहीं रुकना है, अभी आपको बी को दो बार बोलना है, तीन बार बोलना है, तो उससे क्या हो जाएगा ना, जब हम पैटर्न देखेंगे ना भाई, जो पैटर्न है, जब आप पैटर्न्स देखोगे ना उसमें बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस सीख लेना है, और बेस सीखने के लिए क्या करना है, जितनी भी हवा है ना उसको मुंह पे ला लो। हम किसको बोलने पे गुस्से पे बोलते ना और रोक लेते, उसी को बी पे निकालो, कपाल मारते में हम करते ना, तो उसी तरह से जैसे ये ला रहे हो उसको मुंह से निकाल दो। तो एक बार आपका बी हो गया, बी कंटिन्यूस करना फिर शुरू कर देना। तो जैसे आप शुरू करोगे तो शुरुआत में थोड़ी सी एक दो आएगा ऐसा, ऐसा अलग अलग आवाज निकलेगी, लेकिन प्रैक्टिस पे वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हाई हाइट पे। तो हाई हाइट तो उससे भी सिंपल है भाई, बेसिक्स बी को, बेस को तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाई हाइट तो उससे भी सिंपल है। हाई हाइट में कुछ नहीं करना है, टी बोलते हैं ना हम लोग, टी कैसे बोलते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे अपने जीभ पे टंग पे तो वो ऊपर जाके टच होती है, टी समझ रहे हो, ना ऊपर जाके टच होती है टी। तो आपको टी और डिस्क बोलते हैं ना डिस्क, तो आपको टिस्क बोलना है, क्या बोलना है, टिस्क, और वो थोड़ा खींचना है, क्या बोलना है, जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करो ना वो टी पे ज्यादा फोकस करना है। तो अभी आपको एक बार आपने वो तो बहुत सिंपल है, एक बार आपने टी सीख लिया तो अभी आपको क्या करना है, दो तीन बार टी सीखना है, तो एक बार आपने बेस और हाई हाइट सीख लिया। तो अब आ जाते सीधा पैटर्न पे कि उसको किस तरह से, क्योंकि आप कभी भी किसी को बताओगे कि मैं बीट बॉक्सिंग सीख रहा हूं तो उसको ऐसा तो भी बताओगे नहीं ना, वो बोले ये क्या बीट बॉक्सिंग, बी और टी बजा रहे। तो आपको पैटर्न्स आना जरूरी है, पैटर्न मतलब किस तरह से भी ये बी और टी को यूज करें। तो इसीलिए भाई मैंने ये बनाया है, बहुत सिंपल है ये, है भाई अपना एडवर्टाइज आती थी, अगर आपने किटकैट या किसी की देखी रहेगी कि बी यूनिक, तो उसमें वो मतलब ऐसा फायर में मतलब वो रहते हैं ना राइट फायर, वहां पे ये लोग बीट बॉक्सिंग कर रहे थे, तो उसी का है, सिंपल सा है पैटर्न, क्या है सिंपल सा, पहले बी उसके बाद टी। तो किस तरह से करना है,
मैंने आपको बोला था पता है कि आपको दो बी एक साथ सीखनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने बोला था। तो किस तरह तो भाई ये तो आसान है, फिर एक बार ये कर लिया, फिर दो बार बी और टी, और इसमें क्या करना है, तीन चीजें एक साथ है तो हमेशा टी पे गैप है, जैसे देख सकते हो। तो यहां पे वो गैप है। तो ये था भाई बीट बॉक्सिंग का पहला पार्ट वन ट्यूटोरियल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई शेयर करो अपने दोस्तों को, जो बीट बॉक्सिंग आप उनको भी सिखाना चाहते हो तो उनको भी शेयर करो भाई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है तो भाई समझ नहीं होना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आपको पार्ट टू चाहिए। और अपनी बीट बॉक्सिंग भाई जाओ दोस्तों को दिखाओ, बताओ भाई मैं भी सीख रहा हूँ, और ये पैटर्न जरूर याद कर लेना। तो सिंपल सी पैटर्न है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा रहेगा तो लाइक भी करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और बताओ मैं और क्या क्या आपके लिए ला सकता हूँ, और कौन सी टाइप की वीडियो बॉक्सिंग आगे। ये पार्ट टू में और भी मैं इसको एडवांस करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, और इसी तरह से मचाते रहो।